वी आर स्टडिंग मिनिमम मैक्सिमम पार्सिमोनी, नाम में है मैक्सिमम पार्सिमोनी, लेकिन प्रिफर क्या करना है, मिनिमम चेंजेस और मिनिमम म्यूटेशंस, ये हमेशा ध्यान रख रहे हैं। मैक्सिमम पार्सिमोनी तो है, लेकिन आपको प्रिफर करना है मिनिमम चेंजेस और मिनिमम म्यूटेशन। ठीक है जनाब, चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप चलना चाह रहे हैं मेरे साथ, तो एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया जा रहा है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक कैरेक्टर है, एक शेप है और एक कलर है। हम हो सकता है पहले शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करें, फिर कलर के बेसिस पे करें, या पहले कलर के बेसिस पे करें फिर शेप के बेसिस पे करें। तो जो टैक्सॉन्स है ए बी सी डी, इन टैक्सॉन्स में से जो है, आप हो सकता है कि एबीसी को पहले शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करें, या कलर के बेसिस पे क्लासिफाई करें, फिर शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करें, डज नॉट मैटर। जैसे अगर मैं शेप के बेसिस पे करूंगा तो पहले दो रेक्टेंगल शेप के आएंगे और दो सर्कल शेप के। अगर शेप के बेसिस पे पहले करूं तो उस केसेस में जो है रेक्टेंगल शेप में क्या है कि आपके पास ए और सी आएगा, यानी दो क्लासिफिकेशन जो होंगे ए के और सी के आ जाएंगे, और सर्कल शेप में जो आ जाएगा वो है बी और डी के। तो यहाँ पे एक इवोल्यूशनरी चेंज तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, सर्कल और आपके स्क्वायर वाला। अब ए में कलर चेंजेस हैं, ए और डी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हो सकता है कि अब ए सी, ए का कलर बी का कलर और जो है डी का कलर सेम है, तो ये कलर सेम, ये कलर सेम, ठीक है। और हो सकता है कि फिर सी का कलर चेंज हुआ तो यहाँ पे कलर चेंजेस हुआ हो और फिर सी का कलर जो है वो आपका चेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि म्यूटेशन के तौर पे जब हम क्लासिफाई करते हैं तो या तो पहले शेप के बेसिस पे करें, बेसिक तौर पे अगर हम ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तो फर्स्ट किसी एक कैरेक्टर को लेके करेंगे, वो अगर फर्स्ट शेप लेंगे तो फिर सेकंड कैरेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा वो कलर डिफरेंशिएशन का होगा, और अगर फर्स्ट आप प्रेफर करते हैं कलर को तो सेकंड जो है वो कैसा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका शेप, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे रिप्रेजेंट करिए, तो नीचे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए पहले आपने शेप के बेसिस पे किया, शेप के बेसिस पे किया तो सर्कल बी और डी आ गए, एक चेंज यहाँ पे हुआ शेप के बेसिस पे, और दूसरा चेंज एक कलर हो गया जो कि सी के साथ कंडीशन चल रहा है। अब मैं इसको जरा सा जूम करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तो इस केस में इस तरीके के जो चेंजेस हैं इस शेप में देखिए, तो बी और डी सेम शेप में है और फिर ए और सी सेम शेप में, लेकिन सी का कलर चेंज हुआ। इस पूरे ट्री को बनाने में आपको सिर्फ दो चेंजेस को दिखाने पड़े, एक चेंज है शेप का और दूसरा चेंज है आपके कलर का। शेप का चेंज यहाँ पे हुआ है क्योंकि इससे पहले जो है हो सकता है कि आपके पास रेक्टेंगल हो, यहाँ पे सर्कल शेप हो गया और वो बी और डी के हिसाब से चल। तो एक चेंज कलर का, एक चेंज शेप का, अगर आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो, ठीक है। सो दो चेंजेस इस ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बताए जा रहे हैं। दूसरा वाला जो ट्री है, इस ट्री को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, इसको भी मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं। इस ट्री में आप देखिए तो इसमें तीन चेंजेस, अब देखिए हो सकता है कि पहले आप जो है शेप के बेसिस पे करिए, तो हो सकता है कि बी से फिर सी में जाने के लिए, अगर ये बी सी के ज्यादा क्लोजर होता तो बी से सी में जाने के लिए शेप का भी चेंज होता और कलर का भी चेंज होता, और फिर उसके बाद जो है देयर शुड बी द कंडीशंस कि बी सी के करीब होता तो शेप में भी चेंज, पहले स्क्वायर से रेक्टेंगल और फिर कलर में भी चेंज, येलो से ये जो है वायलेट कलर में जाना। इसके बाद सी से डी में जाना होता तो शेप का चेंज होता, स्क्वायर से फिर सर्कल, और फिर डी से ए में जाने के लिए स्क्वायर से फिर सर्कल से फिर जो है आपको स्क्वायर के चेंज में जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो आप कंडीशंस देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे तीन चेंजेस आपको रिप्रेजेंट करने पड़ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एंसेस्टर को स्क्वायर शेप के मान करके चलता तो ए स्क्वायर था, डी में जाने के लिए सर्कल चेंज हुआ, फिर यहाँ से जो है ये सर्कल चेंज हो गया और इसमें स्क्वायर में कलर चेंज हुआ, ठीक है। बेसिक तौर पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो मैं पेरेंटल को स्क्वायर मान लिया और कलर मान लिया येलो, है ना, कलर आपने येलो मान लिया। तो यहाँ पे अब इसको अलग अलग स्पीसीज में चेंज होने के लिए, ए वाला तो एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है ए वाला कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डी में जाने के लिए इसको शेप चेंज करना पड़ेगा एटलीस्ट, फिर यहां से बी में जाने के लिए शेप चेंज करना पड़ेगा, कलर नहीं है, लेकिन सी में जाने के लिए कलर चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम पेरेंटल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो यहाँ पे शेप कलर में या इस पूरे ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चेंजेस चाहिए थे, वैसे ही आपके तीन चेंजेस चाहिए थे राइट वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं मान के चलता कि मेरे पास जो पर्टिकुलर शेप था वो रेक्टेंगल था और कॉमन एंसेस्टर में येलो कलर था बेसिक तौर पे, तो भी आप देखिए अब ये माना जा रहा है कि अगर मैं मान के चलता कि ऑर्डर जो है ए बी के ज्यादा करीब है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है वो शेप अपना चेंज करेगा स्क्वायर में तब ठीक है, सी में जाने के लिए जो है कलर चेंज करेगा तब ठीक है, और डी में जाने के लिए फिर से।
तो इस पूरे के पूरे अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये चेक किया जा रहा था कि अगर बी डी के साथ करीब है तो क्या केस बन रहा है, बी सी के साथ करीब है तो क्या है, और बी ए के साथ करीब है तो क्या है। और सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए ये समझा गया कि जो सबसे कम चेंजेस है वो टू चेंजेस से पहला ट्री बन सकता है, बाकी जो चेंजेस है वो सेकेंड ट्री, अगर मैं इसको फर्स्ट ट्री बोलू, इसको सेकेंड ट्री बोलू, और इसको थ्री थर्ड ट्री बोलू, तो इसमें जो पहला ट्री है इसमें मिनिमम चेंजेस है। तो जब मिनिमम चेंजेस है तो कहीं ना कहीं जो है हम इसको प्रिफर करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पार्सिमोनी का मतलब क्या था, वी शुड प्रिफर दैट ट्री, दैट ट्री हैविंग द मिनिमम चेंजेस और द मिनिमम म्यूटेशंस। तो हमारे लिए अगर प्रेफरेबल ट्री की बात करें इन पूरे ऑप्शंस में 1, 2, 3 में से, तो हम किस ट्री को प्रेफर करेंगे, हमारा जो प्रेफरेबल ट्री होगा वो प्रेफरेबल ट्री गिवन ऑप्शंस में से वो 1 होगा। क्यों किया हमने 1, क्योंकि उसमें चेंजेस जो थे वो मिनिमम थे। किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करके कई सारे ट्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से उस ट्री को आपको पकड़ना है जिसमें चेंजेस मिनिमम हो। थोड़ा सा और इलाबोरेट करके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझ में आएगा तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। जैसे एक टैक्सॉन ये है, अब इसमें 1, 2, 3, 4 है, कुछ ही बेसिस रखे हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप देखिए टैक्सॉन ए 2, 3 में, तो ए और बी में देखेंगे तो आपको चेंजेस मिल रहे हैं 2, मतलब 1 और 2 में, तो इससे 2 में जाने के लिए आपको 2 म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? अब ए से सी में जाएंगे तो आपको लगभग लगभग 3 म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं 1 से 3rd में, ठीक है? और 1 से 4th में लगभग लगभग आपको 4 म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि ए फॉर 1 जो है 2 के ज्यादा करीब है, 3 के कम है, और 4 के और ज्यादा दूर है। लेकिन अगर हम इसको ट्री से कई अलग अलग फॉर्म को रखें, हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे रिप्रेजेंट हो। अब इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे चेंजेस हैं। मैं अगर रूट को यहाँ पे मान के चलूं तो कुछ चेंजेस ऐसे रहे होंगे कि जो अलग अलग चेंजेस है, अगर आप देखें तो एक हमारे पास 1, 2, 3, 4 में एक चेंज ये है और दूसरा ये है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे जो म्यूटेशन है वो ए के बदले जी हो गया हो और ए रहा हो, तो ए म्यूटेट करके अलग अलग सिक्वेंसेस बनाए और ये म्यूटेट करके जी वाला अलग अलग बनाए। इस केसेस में सिर्फ एक ही म्यूटेशन यानी एक ही चेंज से हम ट्री बना दे रहे हैं इस वाले ऑप्शन में, एंड सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको लगभग लगभग 5 चेंजेस चाहिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो हम किस ट्री को प्रेफर करेंगे, पहले वाले को कि सेकेंड वाले को? अगर हमें ट्री को प्रेफर करना हो पहले और सेकेंड में, तो किस ट्री को आप प्रेफर करने वाले हैं? ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ये प्रेफर किया जाएगा। क्यों प्रेफर किया जाएगा? क्योंकि मिनिमम म्यूटेशन, इसमें चेंजेस कम उनको प्रेफरेंस ज्यादा, ये सीधी सी बात है। थोड़ा सा और समझिए इस चीज को, जैसे एक पर्टिकुलरली ये है 4 ऑप्शंस के तौर पे, 5 आपके पास 4 जो है ग्रुप्स है, स्पीसीज है ए बी सी डी, ए बी सी डी ग्रुप्स है, और एक आउट ग्रुप को रखा गया मतलब बाहरी ग्रुप को। अब इन सभी चेंजेस में अगर आप देखें तो आपको चेंजेस रिफाइन करने की कोशिश करना है। अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें मेंशन किया गया है ए है यहाँ पे, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, ये ई लिखा है, ये डी है, फिर उसके बाद ई के बाद एफ है, जी है, फिर एच है, आई है, जे है, ऐसे कर करके कई सारे कंपोनेंट लिखे हुए हैं। ज्यादातर म्यूटेशंस के तौर पे यहाँ पे जो मेंशन किए गए हैं वो नंबर सेम नजर आ रहा होगा लगभग जे तक। अगर टोटल म्यूटेशन काउंट करें, देखिए जरा सर, तो इसमें क्या है कि टोटल म्यूटेशन काउंट हमें हाईलाइट करते हुए एक बार रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 म्यूटेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इस पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑप्शन में टोटल जो चेंजेस है, ठीक है ना, पहला जो ऑप्शन है इसमें जो टोटल चेंजेस के ऊपर बात कर रहे हैं वो टोटल चेंज कितना है, 11, टोटल म्यूटेशंस 11 है। दूसरे ऑप्शन में जरा ट्राई करो तो देखो, इसमें भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, कलर चेंज कर दे रहा हूं, सो दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने हैं इसमें, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, इसमें 10 है सिर्फ। ग्रेट, तो यहां पे जो टोटल चेंज है वो कितना है, वो है 10, ठीक है? थर्ड वाला काउंट करो, कलर चेंज कर देना हो सो दैट कि यू विल एबल टू गेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितने हैं टोटल, टोटल जो है 11 है थर्ड ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन देख लो जरा सा फिर इसी बहाने, फोर्थ ऑप्शन के तौर पे अगर रिप्रेजेंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया, बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है।
अगर आप देख पा रहे होंगे तो टोटल यहां पे 11 है। मिनिमम म्यूटेशन किसमें है? मिनिमम म्यूटेशन इससे क्यों? मिनिमम म्यूटेशन जो है यहां पे आ रहे हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन सीएसआईआर का प्रॉब्लम है।